एक बार जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं, इसके लिए दूसरे के जीवन में कष्ट आया। आप सबसे मानिएगा, कलयुग में भागवत से बड़ा हमारे जीवन में कल्याण करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जीवन में समय मिल जाए, भगवान ने संपत्ति दे दे प्रभु, शिव पुराण सुनिए, राम कथा सुनिए, सब कुछ सुनना चाहिए, पर भागवत तो कम से कम सुनना चाहिए। बाद में यहाँ भले और सुन लो कुछ, पर भागवत कम से कम मनुष्य तन पाकर एक बार जिसने नहीं सुना ना, उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं है। भागवत हमारे जीवन में हमारा कल्याण करती है। तो नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिटाने के लिए, बुढ़ापा मिटाने के लिए, देखिए भागवत से मोक्ष तो होता ही है, आखिरी में हमारी मुक्ति तो होगी, पर भागवत में जो भी हमारा संकल्प होगा, जो भी हम सोचेंगे, जो भी हमारे मन का संकल्प होगा, यदि सच्चे मन से तन मन धन से भागवत कराई जाए, या तो भागवत में जाकर बैठ करके कथा सुनी जाए, तो हमारे मन की सच्चे इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट रहा है। और नारद जी महाराज बैठ गए, सारे ऋषि मुनि महात्मा आ गए, देव लोक से देवता आ गए, 17 पुराण आ गए, सारे संत महात्मा आ गए, सब लोग मूर्तिमान संत के रूप में आए, वेदों के मंत्र भी आए। क्यों? लोगों ने सोचा, हे भगवान, जब नारद जी सुन रहे हैं, जिनके ना पत्नी ना परिवार ना वाकान ना दुकान, कोई समस्या नहीं, जब नारद जी महाराज ये कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पक्की बात है भागवत से बहुत फायदे होंगे। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम कर दे ना, तो बहुत लोग करेंगे, उन्होंने किया हम भी करेंगे, क्योंकि उनका फायदा हुआ। नारद जी सुन रहे तो सभी लोग आ गए और कहते हैं भागवत की कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनते 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 सातवां दिन जब आ गया, अंतिम दिवस आ गया, तो क्या हुआ, अंतिम दिवस में नारद जी महाराज को सनत कुमार जी भागवत की महिमा बताते, क्या है भागवत की महिमा बताते हैं। अश्वमेधम सते चैव वाजपेयम सतां च, हजारों करोड़ों वाजपेय अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, वो फल एक बार सप्ताहे श्रवणे लभे, एक बार 7 दिन तक सुन लो कथा तो हजारों यज्ञों का फल मिल जाता है। और गंगा में वास करने का, काशी में भी वास करने का, हजारों यज्ञों का करने का जो फल होता है, एक बार श्रीमद् भागवत से मिल जाता है। बोले महाराज और क्या होता है, बोले जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या हमारी है, जो भी हमारे कष्ट होते हैं, 7 दिन भागवत सुनने से पूरे कष्ट मिट जाते हैं, और 8वां दिन हमारे जीवन में कैसा होता है, आनंद वाला हो जाता है। नारद जी बोले महाराज कुछ पूछूं आपसे, मैं नियम है ना, गुरु से पूछने का अधिकार है, गुरु से पूछिए, गुरु जी से पूछना चाहिए, और किससे पूछे, गुरु जी से पूछे, और गुरु जी ज्ञानी हो तभी पूछे। अब आपको कुछ मालूम है और आपने गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी बता ही नहीं पा रहे, पूछिए उससे जिसको मालूम हो, जो ज्ञानी हो, जो जानकार हो। तो नारद जी बोले महाराज चलिए, हमको आपने कथा सुनाई, और कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट मिट गए, भक्ति देवी चरणों में गिर पड़ी, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मेरे बेटों को ज्ञान वैराग्य को आपने वापस युवा कर दिया, जवान कर दिया, ज्ञान वैराग्य को आपने जीवन दान दे दिया। तो नारद जी बोले गुरु जी एक बात पूछूं, बोले पूछिए। बोले महाराज यदि कोई अच्छे व्यक्ति की, बढ़िया व्यक्ति की, पूजा करने वाले की, पाठ करने वाले की भागवत सुनने से मुक्ति होती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, दुरात्मा व्यक्ति, पतित व्यक्ति भी भागवत सुनने से मुक्त हो सकता है? नारद जी बोले महाराज बताइए ना। सनत कुमार जी बोले नारद जी महाराज ये मानवा पाप ग्रस्त सर्वदा सदा दुराचार रत
स्वाह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। भागवत जी का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत जी के महात्म्य में श्लोक लिखा हुआ है, एवानेवा पापकृतस्तु सर्वदा। अरे नारद जी महाराज, आप चिंता क्यों करते हो, शंका क्यों करते हो, इतना पूछते क्यों? एवानेवा पापकृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत केवल पाप किया हो, एक बार भी मंदिर ना गया हो, एक बार भी एक रुपए भी दान ना किए हो, कभी भी किसी से प्रेम से बात ना किया हो, एवानेवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने हमेशा पाप ही पाप किया हो, क्या किया हो, केवल पाप किया हो, सदा दुराचार रतः बीमार रतः। दुराचारी हो, पापी हो, शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, जीवन में झूठी झूठ बोला हो, सदा दुराचार रतः बीमार रतः, क्रोध अग्नि रगदा कुटिलश्चकामिनः। क्रोधी हो, कभी भी मोहल्ले में, पड़ोसी में कहीं किसी से प्रेम से बात ना किया हो, क्रोधाग्नि रगदा कुटिलश्चकामिनः। क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, खल हो, दुष्ट हो, क्रोधाग्नि रगदा कुटिलश्चकामिनः, सत्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन तक, केवल 7 दिन बैठ करके भागवत सुन लेना तो 8वें दिन पूरा बदल जाएगा, और नियम है, नियम से 7 दिन बैठना पड़ेगा, 8वें दिन वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा। और क्या करें, बोले जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हो 7 दिन में बदल जाएगा। और नारद जी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, पाप करते करते आखिरी समय पर पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, मौत होने के बाद भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, तो उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए, ध्यान दीजिएगा, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है, ऐसा लिखा है भागवत में। क्या लिखा है, किसी प्राणी के नाम से किसी परिवार में, किसी के घर में बहुत समस्याएं हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, अनेक दोष हो। और देखिए 3 दोष तो आजकल सबसे ज्यादा है, पहला कौन सा है, पितृ दोष। लगभग हर दूसरे घर में पितृ दोष है, क्यों है, क्योंकि बुजुर्गों का अपने घर के जो पूर्वज है उनका अच्छे से पिंडदान नहीं हुआ, वो भजन नहीं किए, पूजा नहीं किए, पाठ नहीं किए, केवल पैसे छोड़े, न तो जीवन में भजन किए और न करने दिए, आखिरी में मृत्यु हो गई। तो आजकल पिंडदान जो होते हैं बहुत विधिवत नहीं होते हैं, तो क्या लग गया, पितृ दोष। तो लगभग हर दूसरे घर में पितृ दोष है, और पितृ दोष का सबसे बढ़िया उपाय जो है श्रीमद् भागवत है। 1000 पूजा आप करा लीजिए, 1000 यज्ञ आप कर दो, करोड़ों रुपए आप खर्च कर दो, पितृ दोष केवल आप 100 बार गया में पिंडदान कर दो, लिखा अभी सुनेंगे आप आगे आप, लेकिन भागवत एक बार हो जाए तो पितृ दोष खत्म। जिस भूमि पर भागवत हो जाती है क्या हो जाता है, वहां का वास्तु दोष खत्म। और जितने ग्रह दोष होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध अहु केतु शनि, जितने दोष हैं, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, केवल और केवल भागवत से होते हैं, क्या होते हैं, उनका दोष खत्म हो जाता है, उनका निवारण हो जाता है। पर कैसे, विधिवत नियम से अच्छे से विद्वान के द्वारा भागवत कराए तब विधिवत, अच्छे से भागवत होगी तभी लाभ होगा ना। अब यदि कोई देवी जी आके भागवत, देखिए भागवत में लिखा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइव कथा में बोल चुका हूँ। अब कोई देवी जी कथा करते हैं आजकल, क्षमा करेंगी, अब देवी आजकल कथा करती हैं, जो देवी जी जो कथा करती है उससे मुक्ति तो नहीं होने वाली है। टाइम पास हो सकता है, पब्लिक आ सकती है, ताली बज सकती है, आपका नाम हो सकता है नगर में, आपने बड़ी कथा करी, पर देवियां जो कथा करती है, माफ कीजिएगा, आप भागवत भी पढ़ लीजिएगा एक बार हिंदी में, ना हो तो मुझसे आप ले सकते हैं, मैं दे दूंगा, मेरे पास बहुत सी भागवत है, एक बार आप भागवत पढ़िएगा, जो भी देवियां करती हैं, स्त्रियां जो भागवत आजकल कर रही हैं, वो भागवत से मुक्ति नहीं होने वाली है। हाँ, आपका टाइम पास हो सकता है, पब्लिक आ सकती है, जनता खूब आ सकती है, भीड़ भी हो सकती है, पर कुल में, परिवार में, खानदान में उससे कल्याण होने वाला नहीं है। अभी आगे आप सुनेंगे, लिखा है ये भी भागवत में। तो चलो, 8वें दिन परिवर्तन हो जाता है।
को आखिरी समय पर भागवत हो जाए उस प्राणी के नाम से तो भी उसकी मुक्ति हो जाती। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी धारणा है कि घर में परिवार में किसी की मृत्यु अचानक हो जाए, कोई चला जाए, दिवंगत हो जाए, तो वार्षिक श्राद्ध में भागवत कराने से उसकी मुक्ति कन्फर्म है। अब उनकी वही नहीं, जो और पहले चले गए उनकी हो जाएगी। अरे भागवत हो ही नहीं है। स्वर्गीय श्री महेश गुप्ता जी, हालांकि उन्होंने भागवत सुन चुकी है पहले, श्री पुराण बताए मुझे माता जी, और उससे मिले भी थे। भागवत में एक बार आए थे मेरी कथा, मेरी मुलाकात 15 मिनट बैठा था मैं, मुझे बुलाए भी थे यहाँ पर, आइएगा हमारे यहाँ मंदिर है, पर मुझे नहीं पता है था कि वो ना रहेंगे तब मुझे भागवत करनी पड़ेगी। पर वो जहां भी है भागवत यहीं से सुन रहे हैं। जिस प्राणी के निमित्त उनका संकल्प है तो सच मानिए वो यहाँ पर है और वो पूरी की पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी बोले महाराज मैं कैसे मानूं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, उसके नाम से भागवत करा दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले महाराज क्षमा करिए गुरु जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं बात विवाद नहीं कर रहा, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो अनंत कुमार जी बोले नारद जी महाराज बड़ों के बुजुर्गों के गुरुओं के बात में विश्वास तो करना चाहिए, पर कितना करना चाहिए? जितना आपको लगे। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने बोल दिया जाओ, नहीं। आपको भी जानकारी है गुरु जी वही बोले जो आपके लिए अच्छा हो, और आपको भी पता होगा कि दो और दो चार ही होता है। अब गुरु जी बोले कि दो दो पांच होता है तो आप कैसे मानोगे? दो और दो तो चार ही होगा ना, ये तो सबको पता है। तो गुरु जी ऐसे हो जो दो और दो चार ही बताए, दो और दो पांच ना बता दे, नहीं तो फिर असुविधा हो जाएगी। तो नारद जी महाराज बोले महाराज क्षमा करिए, मैं आपसे आप में अविश्वास नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप बस बताइए कैसे मुक्ति हो सकती है। तो नारद जी महाराज को सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर कथा सुना दी, और श्रीमद् भागवत की बहुत महत्वपूर्ण कथा है। तुंग भद्रा तटे पूर्व नवोत्तम यत्र वर्णाश्व धर्मेणा सत्य सदकर्म तत्पर। जय जय श्री राधे। सात दिन में कम से कम 108 बार बुलवाऊंगा मैं, मेरा भी फायदा होगा आपका भी होगा। कितने बार? 108 बार। कितनी बार हो गया अभी गिने है कोई? मुझे पता है लेकिन आठवें दिन बताऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुंग भद्राट तय पूर्व नवपत्तन उत्तम यत्र वर्णाश्व धर्मेणा सत्य सत कर्म तत्परा। भद्रा नदी के किनारे स्त्री कौन कहते हैं? सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी तुंग भद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नामक गांव है। उत्तम नगर है उस गांव का नाम, या शहर का नाम, या नगर का नाम उत्तम नगर। वहां पे कौन रहते हैं? पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव अद्वितीय भास्कर, वो इतने ज्ञानी है, इतने विद्वान है, इतने समर्थवान है कि लगता है जैसे दूसरे सूर्य हो। द्वितीय भास्कर इतना तेज है, विद्वान है, बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति है, खूब पैसा है, खूब बड़े बड़े शिष्य हैं, चेले हैं उनके, सब कुछ बढ़िया है। पत्नी का नाम धुंधली देवी है, सब बढ़िया, पर घर में बेटा बेटी नहीं है, संतान का अभाव है, दुखी रहते हैं मन में। पर कभी कभी सोचते हैं ठाकुर जी आपने मुझे बेटा नहीं दिया कोई बात नहीं, पर मुझे दुखी मत करना। और भगवान का भरोसा मानकर, भगवान में विश्वास मानकर ऐसा सोचते हैं जो भी होगा सब भगवान ठीक करेंगे। पर पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पंडित जी बड़े अच्छे हैं, विद्वान हैं, सात्विक हैं, सदाचारी हैं, पर पत्नी का नाम धुंधली देवी थोड़ा वो डिस्टर्ब करती है। कभी झगड़ लेना, कभी लड़ाई कर लेना, कभी निंदा करना, कभी चुगली करना, कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहती है। ना बेटे का ना बेटी का कोई टेंशन नहीं कि हमारे घर में संतान नहीं है, मन अच्छा नहीं है ना। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं ना और गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट शर चित्र न भावा। भगवान कहते हैं आप लाख श्रृंगार कर दो, लाख भोग लगा दो, लाख दान कर दो, मुझको पाना है तो निर्मल मन, अपने मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनाओ? निर्मल, एकदम बच्चे जैसा। कम से कम जो भगवान की पूजा करें, भगवान के भजन में जाएं, प्रभु का नाम लें, तो क्या बन जाएं? निर्मल बन जाएं। निर्मल मन जब सो मोहि पावा, वही मुझे पा सकता है जिसका मन निर्मल होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट मुझे पसंद नहीं है। जो छल करके कपट करके गलत काम करके पैसे लाकर मुझे चढ़ा भी देगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। वैसे नियम ये भी है, लिखा ये भी है, गलत काम करने वाला धर्म भी नहीं कर पाता। जिसका तन पवित्र नहीं वो मंदिर नहीं जा सकता, वो तीर्थों भी नहीं जा सकता। जिसका मन पवित्र नहीं वो कथा भी नहीं आ सकता। और जिसका धन पवित्र नहीं वो कभी दान भी नहीं कर सकता, मंदिर भी नहीं बनवा सकता, कथा भी नहीं सुन सकता। ध्यान दीजिएगा, तन मन और धन से सेवा होनी चाहिए। चाहे कितनी भी कम, 5 ही मिनट पूजा करिए, जिस समय भगवान के सामने बैठ जाइए पूरी दुनिया को भूल जाइए, पूरी दुनिया को आप भूल जाइए। परमात्मा की पूजा करते समय क्या करें? सब कुछ भूल जाए। आपके बगल में कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, कोई मतलब नहीं। 5 मिनट करिए आपकी 5 घंटे की पूजा जो है ना, अगर आप बात कर लेते हैं, कुछ जाते हैं, माला ले लेते हैं, किसी को आवाज लगा देते हैं, घी मंगवा लेते हैं, बत्ती मंगवा लेते हैं, या कुछ जाते हैं, या पानी पी लेते हैं, मत करिए। वो आपकी 5 घंटे की पूजा से अच्छा है 5 मिनट जब बैठिए तो एकदम सब कुछ भूल जाइए। तन की सुध भूल जाइए, मन की सुध भूल जाइए, सब कुछ भूल के ऐसा लगे मेरे ठाकुर मेरे सामने और मैं उनका हूँ, तो फल ज्यादा होगा। और या तो 5 घंटे भी करें अच्छी बात है, फिर आप व्यवस्था पहले कर लें, पानी भी रख लें, प्यास। देखिए पूजा के समय जब के समय यदि प्यास लगे तो लिखा है जल और फलम, जल और फल, तो फल तो मत खाइए। लिखा है जब यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़े यज्ञ होते हैं ना, आहुतियाँ होती हैं, अब यजमान को 21 किलो का हवन करना है, 3 घंटे लगेंगे तो प्यास तो लगेगी, तो पानी पीने में दोस्त नहीं, इसलिए आचमन किया जाता है। आचमन में पानी, पानी पिया जा सकता है पर उठा जा नहीं सकता है, तो पानी पी के कैसे उठना मना है। ऐसी व्यवस्था करके बैठे कि हम यज्ञ भी कर ले, हम पूजा भी कर ले, हमारा मन भी लग जाए, हमारा तन भी लग जाए, और हमारी धन वाली सामग्री भी लग जाए, तो पूर्ण फल मिल जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जोर से, जय जय श्री राधे। भगवान का नाम पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से बोलना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे ताप पाप सब मिट जाएंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो पंडित जी हैं ना, बड़े अच्छे हैं, पर उनकी जो पत्नी है धुंधली देवी थोड़ा गड़बड़ करती है, पर सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पैसे बहुत है। एक दिन पंडित जी जैसे ही आए तो पड़ोसियों ने बोलना शुरू किया, महाराज पंडित जी इतना पैसा आपके पास, इतनी प्रॉपर्टी, खाने वाला कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं, महाराज इतना लालच क्यों करते, इतना क्यों कमाते हैं। पंडित जी बोले, भैया ऐसा थोड़ी ना है कि जिसके बेटे ना हो, संतान ना हो, पैसा ही ना कमाए। नहीं ये तो नहीं, ये कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं। पंडित जी बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, पर जब पंडित जी भीतर गए घर में रात में सोए तो मन में विचार आ गया, सच ही तो बोलते हैं लोग, क्यों इतना दौड़ते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं, जब कोई खाने ही वाला नहीं है तो क्यों कमाते हैं। आंखों में आंसू आ गए। और एक दिन जैसे तुलसी में पानी देने गए ना, तो तुलसी का बिरवा सूख गया पौधा। उनके घर में एक गौ माता है, वो भी 12 साल से कोई बच्चे को जन्म नहीं दी। तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, पड़ोसी सच बोलते हैं, मेरे यहाँ कोई है ही नहीं। तो एक पड़ोसी ने कह दिया, महाराज आपके यहाँ आपके पितर, आपके भगवान, आपके देवता आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, स्त्री आपके घर में आपको संतान नहीं हो रही है। तो आज बेचारे ज्ञानी विद्वान पंडित जी भ्रमित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, और मन में संकल्प किए
वन में जाऊंगा और बेटे को लेकर आऊंगा। यदि पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तो शरीर को वहीं शांत कर दूंगा, वहीं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, पर लौट कर नहीं आऊंगा। और रात्रि में पंडित जी निकल गए और वन में जाकर दो तीन दिन निकल भगवान प्रकट नहीं हुए। अब पंडित जी क्या करें, रोते हैं जंगल में, कौन सुने? तो एक साधु आ गए, साधु निकले थे, संत। संत का मतलब जानते हैं, जो दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे के कष्ट को देखकर जिसके मन में दया आ जाए, करुणा आ जाए, दुखी हो जाए, वही साधु है। साधु वही है, संत वही है, जो सबके, अपने शिष्य के, अपने भक्तों के, अपने चाहने वालों के और सबके दुखों का अंत कर दे, वही तो संत है। जो दुख दे दे, कष्ट दे दे, परेशानी ला दे, वो संत साधु हो ही नहीं सकता। साधु कौन, संत कौन है? जो दूसरे के दुख को मिटा दे, रोते हुए को हंसा दे, कब के लिए, हमेशा के लिए। वैसे हंसाते तो बहुत लोग हैं रोने वालों को, आप कोई सीरियल देखिए, टीवी देखिए, हंस देंगे, पर पांच मिनट बाद फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। पर साधु संत वो जो हमेशा के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। जय जय श्री राधे। साधु रो रहे थे पंडित जी, साधु बोले, पंडित जी क्यों रोते हो? कथम रो ऋषि विप्रतम काते चिंता वरीयसी। अरे पंडित जी, महाराज जी क्यों रोते हो, क्या हो गया, क्या दुख है महाराज आपको? वद तुम सत्वरम मह्यम सस्य कारणम। अरे महाराज, मैं साधु हूँ, मुझसे आप अपना दुख कह सकते हैं, दुनिया वाला नहीं कि आपका दुख सुनूंगा और जाकर के पड़ोसी से बता दूंगा। ना 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 महाराज, यदि आपके मन में विचार आए तो आप मुझसे कह सकते हैं। पंडित जी के आंखों में आंसू हैं, पंडित जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज क्या बताऊं, इतना सब कुछ है, पैसे है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मैं पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता, सत्य भी बोलता हूँ, किसी का एक रुपये भी मैंने उधार नहीं किया, अलिया तो समय पर दिया, मैंने कोई पाप अपने इस जन्म में नहीं किया, फिर भी मेरे घर में बेटा नहीं है महाराज, संतान नहीं, क्या चाहते हो पंडित जी? अरे महाराज, यदि बेटे का वरदान नहीं मिला ना तो यही स्थिर फटक फटक कर मर जाऊंगा, पर घर वापस नहीं जाऊंगा। तो साधु बोले, महाराज ऐसी बातें मत करो, पागल मत बनो महाराज, ये बेटा वोटा सुख देने वाले नहीं है, बेटा होने के बाद भी दुख बहुत मिलता है, ऐसा नहीं कि बेटा हो जाएगा तो आप एकदम स्वर्ग पहुंच जाओगे, ना ना ना, कोई कोई बेटे तो घर को ही नरक बना देते हैं, ऐसा नहीं कि बेटा है तो हम एकदम सबसे सुखी हैं या बेटा नहीं है तो दुखी है, सुख और दुख बेटे या बेटी तय नहीं करेंगे, वो हमारे अपने कर्म, हमारा अपना धर्म, हमारा अपना व्यवहार, हमारी अपनी सोच हमारे सुख को और दुख को बनाएगी। ना बेटा सुख देने वाला है, ना बेटी सुख देने वाली है, ना बेटा दुख देने वाला है, ना बेटी दुख देने वाली है। तो महाराज क्यों बेटे बेटे करते हो? अरे ज्यादा बेटा बनाने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, तो गोपाल जी को, परमात्मा को बेटा मान लो। दुनिया का सबसे बढ़िया बेटा कौन है? ठाकुर जी है, बेटे भगवान है, भगवान को मान लो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगमा। अरे भगवान को ही बेटा मान लो, दुनिया वाले बेटे भले अंतिम टाइम में ना आए, ना छुए रिजवाड़ी, अभी कोरोना में देखिए ना क्या क्या हुआ, कोरोना जो आया ना, सच मानिए कि कोरोना भगवान ने इसलिए लाए, भगवान की बहुत अहंकार करते हो, बहुत घमंड हो गया, हम ऐसे तो एकदम फैल गया, बहुत बुरी तरह से फैला, और बहुत लोग चले भी गए, बहुत लोग बच भी गए, पर मृत्यु तो भगवान के हाथों में, फिर भी भगवान ने ये बताने के लिए लाया कि भैया कुछ भी हो सकता है, कभी कभी दुकान बंद करो, कभी कभी फैक्ट्री बंद करो। कुछ लोग हमसे मिलते थे, बोले हमारे भैया दुकान क्यों खोलते हो बाहर, यहाँ पर ही मरिया में, बोले महाराज क्या बताएं, मरने का टाइम नहीं है, दुकान तो हमारी खुलेगी, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, दुकान तो महाराज नहीं करेंगे बंद, पैसा जो लगाए हैं हमारा कर्मचारी खुलेगा। वही लोग कोरोना में बंद कर दिए ना, भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, सबके लिए तैयार है। आप ये मत सोचो कि इस दुनिया के हम मालिक हैं, ना ना ना, इस दुनिया में केवल हम एक यात्रा में आए हैं, और वो यात्रा हमारी जितनी बढ़िया होगी उतना जीवन अच्छा जाएगा। हम यहाँ कुछ भी नहीं है, हम नहीं थे तब भी संसार था, हम
जान है तब भी दुनिया है, उमरिया तो है ना, हम चले जाएंगे तब भी ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान, ये रोड सब रह जाएगा। हम नहीं थे तब भी यहाँ रहा होगा कुछ, इसलिए हम सिर्फ एक यात्रा में, उस यात्रा में नियम ये कि उस यात्रा को अच्छे से हम करें। तो संत कहते भैया पंडित जी, बेटा सुख देने वाला नहीं है, संसार दुखी दुख, इसका नाम दुखालय है। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। पहले कुछ भी नहीं था तो लगा हे भगवान एक ही कमरे का घर हो जाए, हो गया तो लगा भगवान दो कमरे का हो जाए, दुख हो गया। जितना पैसा संपत्ति आती जाएगी उतना मन में लोभ आता जाएगा, गीता में लिखा है, लाभेन वर्धते लोभा। लाभ जब होगा तो लोभ बढ़ेगा, लाभ में एक ही तो मात्रा लग जाएगी तो लोभ हो जाएगा, लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत दुनिया में कम लोग होंगे जो लाभ होने के बाद बोलते बस 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 हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब ठाकुर जी की सेवा में हम लगाएंगे। लाभेन वर्धते लोभा। पंडित जी को बहुत समझाए, हस्तरेखा देखे, मस्तिष्क रेखा देखे, बोले महाराज आपको तो 7 जन्मों तक बेटा बेटी का सुख है ही नहीं, 7 जन्मावधि नहीं हो पुत्र चैव च पुत्र। अरे महाराज पंडित जी आपके तो कई जन्म खराब हो गए, आपको 7 जन्मों तक अगले 7 जन्मों में बेटा बेटी का सुख है ही नहीं। पंडित जी चरणों में गिर पड़े, महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, साधु, आप साक्षात भगवान हैं, जब आप इतना बता सकते हैं कि मुझे 7 जन्मों तक बेटे का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं, तो आप ही मुझे बेटा दे दो ना। तो संत को दया आ गई, एक फल दे दिए, बोले जाओ पत्नी को खिलाना, नियम बता दिए, जो कार्य असंभव हो वो साधु संत महात्मा गुरु कर सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत ने क्या कहा? जाओ फल खिला देना, जो कार्य आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, गुरु जी आशीर्वाद दे दें, शिष्य पुरुष आशीर्वाद दे दें, महात्मा आशीर्वाद दे दें, पंडित जी ब्राह्मण जी आशीर्वाद दे दें, और आपका विश्वास पक्का हो तो वो कार्य हो जाएगा। तो वो कहते हैं संत ने दिया और पंडित जी आए, पत्नी से बोले देवी खा लेना संतान हो जाएगी। अब पत्नी का नाम है झुंझली, तो बात नहीं मानती किसी की, तो फल तो ले ली पर बोली क्या करूं, खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, इसके बाद भोजन नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे घर में बैठना पड़ेगा, कहीं घर में आग लग गई तो मैं भी जल के मर जाऊंगी, हजारों विचार आए, भागवत जी में लिखा है, कहीं चोरी हो गई डाका पड़ गया तो गांव से भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। मेरे हिसाब से जिस स्त्री को संतान नहीं होती वो सबसे बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। सहेली आ गई, सहेली से बोली मेरे यहाँ पैसे की कमी नहीं है और तुम्हारे यहाँ बेटे तो है पुत्र तो है पर पैसे नहीं है, और मेरे यहाँ पैसे पड़े पर खाने वाला कोई नहीं है, एक काम करो इस बार जो तुम्हारे यहाँ बेटा हो उसे मुझे दे देना, मुझसे पैसे ले जाना। और दिल पक्की हो गई, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनकी सहेली को बेटा हुआ तो ला करके दे दी, और पंडित जी से बोली मुझे बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, और उस फल को दोनों ने मिल करके सहेली और उनकी सहेली और वो धुंधली देवी ने गौ माता को खिला दिया। तो 3 महीने बाद गौ माता ने सुंदर पुत्र को, मनुष्य शरीर वाले बच्चे को जन्म दे दी, कान केवल गाय जैसे, तो नाम रख दिया गोकर्ण, अपने बेटे का नाम रख दी धुंधकारी, और गाय के जो बेटे है ना उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गाय के आशीर्वाद से हुए हैं, गाय के ही पुत्र हैं, तो ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हो गया, दुष्ट हो गया, नीच हो गया। क्या करता है, छोटी अवस्था से 10 साल की उम्र में चोरी करना शुरू कर दिया। और सब हस्तेन भोजकम, भागवत जी ने लिखा है कि मुर्दे के हाथ से भोजन चुरा देता है, इतना दुष्ट व्यक्ति है, चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, उम्र केवल 15 साल। एक दिन पंडित जी रात में देखे मेरे घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बोले बेटे क्या कर रहे हो? उस समय धुंधकारी नशे में था, तो बोले भैया मेरे स्वर्ग जैसे तपस्या किए हुए घर को तूने नरक बना दिया,
क्यों ऐसा करता है? धुंधकारी बोला, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ और मैं चाहे जो भी करूँ आपको पसंद नहीं है तो आप ही घर छोड़ दो ना। तो आज बहुत रोए, पहले स्त्री रोए कि घर में बेटा नहीं है, अब स्त्री रो रहे हैं भगवान हे परमात्मा ऐसा बेटा क्यों दिया। रोने लगे, धुंधकारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चला गया। और कहते हैं उसी समय गाय के बेटे गोकर्ण जी महाराज आए और बोले, पिताजी आप क्यों रोते हैं, क्यों आंखों में आंसू हैं? गोकर्ण जी बोले, बेटे क्या बताऊं, ये जो मेरा बेटा है धुंधकारी है, ये मुझे बड़ा अपमानित करता है, मेरी बात नहीं मानता, शराब पीता है, मांस खाता है, ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के राक्षसों वाले कृत्य करता है। गोकर्ण जी बोले, पिताजी पहले बैठिए। बैठा करके पानी पिलाया और बोले, पिताजी एक बात बताइए, धुंधकारी यदि आपका बेटा होता तो आपकी बात मानता? बोले आपकी बात नहीं मानता बल्कि आपको अपमानित करता है। एक काम करिए, आपकी बात नहीं मानता तो आप इसको बेटा मानना बंद कर दो। सबसे बढ़िया तरीका जो आपकी बात ना माने उससे रिश्ता खत्म कर दो, उसको मानो ही मत कि हमारे सामने है, उसको किनारे कर दो। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों मानते हो बेटा? तो पंडित जी कहते हैं, आते जी अरे बेटे मेरा इकलौता बेटा है, यही बेटा क्या कर। तो समझाते हैं, देहस्थिमान सिंधे जाया सता सता ममता निमुंच तस्यानि सुंदर दिलम चढ़हंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको निष्ठ। देहस्थिमान सिंधे, अरे पिताजी आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपका बेटा ही आप ही के पास बेटा, संसार में सबके यहाँ तो बेटे होते हैं। देहस्थिमान सिंधे, अरे पिताजी ये जो आपका शरीर है ना, इसको अपना शरीर मानना बंद करो, अहंकार चला जाएगा। शरीर को अपने शरीर को शरीर मानना बंद करो, आप ये मत मानो कि मेरा शरीर में पंडित जी में ठाकुर जी में सेठ जी में मंत्री जी, ये शरीर क्या है? हड्डी मांस रक्त इनका पुतला है, बाहर से पैक किया गया है, एक बार नहीं लग जाए तो कांटे का चिन्ह बन जाता है,